नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज और मैं हूं आपका साथी विश्वंबर तिवारी। जनरल डायर, ये एक ऐसा नाम है जिसे शायद हर एक हिंदुस्तानी जानता है नफरत के साथ, जानता है नाराजगी के साथ, क्योंकि जनरल डायर वो इंसान है जिसने जलियांवाला बाग में बेगुनाह बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवाई थी, उसकी जमीन खून से लाल कर दी थी। आज भी जलियांवाला बाग की दीवार पर उसकी गोलियों के निशान मौजूद हैं। लेकिन वर्तमान में जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात क्यों हो रही है, वर्तमान में जनरल डायर की बात क्यों हो रही है? वर्तमान में जनरल डायर की बात इसलिए हो रही है कि वर्तमान के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए अब पुराने जो लोग हैं जिनके द्वारा खून बहाया गया, जिनके द्वारा नफरत की आग फैलाई गई, उन लोगों के नाम का सहारा ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है एनसीपी के नेता नवाब मलिक के साथ। नवाब मलिक ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जनरल डायर बताया है। उन्होंने जनरल डायर उन्हें क्यों बताया? दरअसल सीएए पर चल रहा विरोध अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 68 दिन हो चुके हैं और उनका विद्रोह अभी तक चालू है, उनका विरोध अब तक चालू है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी बहुत तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, हिंसा हुई, इसमें कई लोग मारे भी गए। हम आपको बता दें कि जब वहां पर विरोध हुआ और वहां प्रदर्शनकारियों की गोली से लोगों की मौत हुई, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था, जिनकी मौत हुई है वो प्रदर्शनकारियों की गोली से हुई है। अगर कोई सड़क पर आकर गोली मारने के इरादे से आ जाता है तो या तो उसकी मौत होगी या पुलिस वाले की मौत होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई मरने के इरादे से ही आ रहा है तो वो जिंदा कहाँ जाएगा। उनके इन सब बयानों को लेकर एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी जो कथनी और करनी है दोनों जनरल डायर जैसी है, लोकतंत्र में उनकी इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से तानाशाही कर रहे हैं, ये तानाशाही ठीक वैसी है जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने करी थी। हम आपको बता दें कि शाहीन बाग में चल रहे विरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो पक्षकार नियुक्त किए गए हैं, जिनमें साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े हैं, जो उनसे लगातार 2 दिनों से वार्तालाप कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग मान जाएं। लेकिन इन सब के बीच सियासतदानों की सियासत आग में घी डालने का काम करती है। ये मामला जब जब लगता है किनारे आएगा, खत्म होगा, तब तब कोई ना कोई आकर कोई ना कोई ऐसा बयान दे देता है कि ये मामला फिर से उछल जाता है। भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे पहले इस जुबानी जंग को रोकना बहुत जरूरी है। कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।